हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वी गॉड का इन्वर्टर है, जो कि ये वी गॉड जादू करके है मॉडल, जो कि ये 800 वाट है। तो इसको ओपन करके आपको दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। जैसा कि आप देख लिए होंगे थंबनेल में कि इसमें सारा इंडिकेटर साथ में जल रहा है मेन लाइन पे, और ये बैटरी लो दिखा रहा है दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें कि इसका ये मॉस्फेट इधर से भी थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, तो ऊपर से ठीक ठाक दिख रहा है दोस्तों। तो हम ऊपर से पहले चेक कर लेंगे इसमें कुछ जला वगैरह तो नहीं है, कुछ जला तो नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है दोस्तों। चलिए अभी इसको इधर से देखते हैं दोस्तों। और जो लो बैटरी का प्रॉब्लम होता है दोस्तों, ज़्यादा करके ये मॉस्फेट वगैरह से रहता है। तो मॉस्फेट और कंपोनेंट अगर कोई ख़राब हो जाएगा तो उसी वजह से इसमें फॉल्ट आते रहते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इसमें का एक मॉस्फेट थोड़ा सा जला हुआ दिख रहा है। आपको दिखाने का कोशिश करते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं ये एक मॉस्फेट का, इसका एक पॉइंट जल चुका है, ये वाला पॉइंट जल चुका है। तो दोस्तों कोई कोई कंपनी में इसी टाइप का प्रॉब्लम होता है, अगर मॉस्फेट कोई जल गया तो वो लो बैटरी दिखाएगा आपको। तो जैसा कि इसमें भी देख सकते हैं, इसका एक पॉइंट जल चुका है। तो चलिए ये फ़ैन का वायर है, हम निकाल लेते हैं दोस्तों। इसको रिपेयर करने का सबसे आसान तरीका है कि इस पीसीबी को बाहर निकाल लें। तो तब तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आपको हमने दिखाई दिया कि इसका मॉस्फेट जला हुआ है, एक मॉस्फेट दिख रहा है, एक ही नहीं जला होगा और भी जले होंगे। तो चलिए हम अब ओपन कर लेते हैं, सारे स्क्रू को खोल लेते हैं। तो ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव है, तो इसको भी खोल लेते हैं और इस पीसीबी को बाहर निकालते हैं। और दोस्तों आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए पीसीबी को हम खोल के फिर आपको आगे दिखाते हैं, वीडियो को थोड़ा फास्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों एक स्क्रू और बचा है, वो भी हम खोल लिए हैं। अब ये पीसीबी बाहर की तरफ निकाल लिए हैं और दोस्तों इसमें थोड़ा फंस रहा है तो इसको हम निकाल लेंगे। तो अब देख सकते हैं दोस्तों, इस पीसीबी का हालत तो एकदम पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। तो इसको थोड़ा हम निकाल के अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो इस जैक को भी निकाल देंगे, ये सामने का पैनल का है, तो पहले से ही ये अभी फर्स्ट टाइम खुल रहा है, तो इसमें ग्लू भी लगा हुआ है। चलिए दोस्तों पीसीबी बाहर आ चुका है। तो दोस्तों एक बार इसको हम पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। यही मॉस्फेट इसका जला हुआ है और मॉस्फेट जले हुए हैं दोस्तों, दिख नहीं रहे, शॉर्ट हुए हुए हैं, इसी की वजह से चार्जिंग भी नहीं हो रहा है। ये एकदम पूरा वर्क कुछ भी नहीं कर रहा है, बस लगाने पर ये सभी इंडिकेटर साथ में जल रहा था, तो उसमें यही समस्या था। तो चलिए दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं रिपेयरिंग का। और दोस्तों आपको बता दें, इसमें टोटल चार मॉस्फेट पे ये वर्क करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दो मॉस्फेट आपको सामने दिख रहा है और दो उसके नीचे लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों सभी मॉस्फेट के यानी चारों मॉस्फेट को खोल लेते हैं। और दोस्तों इस मॉस्फेट को हम बाहर निकाल लेंगे और इसके जगह पे इसी नंबर का दूसरा मॉस्फेट लगाएंगे। तो चलिए चारों स्क्रू को खोल लेते हैं। दो खोल लिए दोस्तों, दो इधर का भी खोल लेते हैं।
और ये इसका टेम्परेचर सेंसर है तो इसको भी निकाल लेंगे और मॉस्फेट को भी खोल लेंगे। इसी तरीके से दोस्तों हम सभी मॉस्फेट को निकाल लेंगे सोल्डर की मदद से। तो चलिए दोस्तों इसको एक को निकाल लेते हैं, इसी तरीके से हम एक एक करके सारा मॉस्फेट निकाल लेंगे। तो चलिए मॉस्फेट को निकाल के फिर आपको हम दिखाते हैं। फाइनली दोस्तों सभी मॉस्फेट हमने निकाल लिए हैं, तो अब हमें जो लगाना वो आपको दिखाते हैं। दोस्तों जो लगा था इसमें आप देख सकते हैं 8314 नंबर का जो मॉस्फेट लगा हुआ था, सेम इसी नंबर का हम नया मॉस्फेट लगाए हैं, वही लगाएंगे, सेम उसी नंबर का है दोस्तों। तो चलिए चारों हम उसी नंबर का लगा लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि हम फोटो दिखा रहे हैं आपको, यही मॉस्फेट इसमें लगा हुआ था इसी नंबर का। तो चलिए फटाफट हम चारों मॉस्फेट को लगा लेते हैं। एक हम लगा चुके हैं, ये दूसरा लगा रहे हैं दोस्तों, तो दूसरा भी हम लगा के उसी में भी डाल लेंगे चारों मॉस्फेट, फिर स्क्रूप लगा के उसको कसेंगे अच्छी तरह से टाइट करके। और दोस्तों ये भी लग चुका है, तो एक और है इसको भी लगा लेते हैं। तो दोस्तों इसको भी सेंटर में बैठा के लगा लेंगे तीनों पॉइंट को। तो दोस्तों ये भी लग चुका है आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा सेंटर में बैठा लेंगे, ये भी लग चुका है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों चारों मॉस्फेट हमने लगा लिया है, तो हमने इसको बैठा लिया है दोस्तों। अब इसमें जो चारों इसका स्क्रू है उसको लगाएंगे हम। तो चलिए चारों स्क्रू को फटाफट लगा लेते हैं। और स्क्रू ड्राइवर की मदद से दोस्तों एक और लगाना है, तीन ही लगाए दोस्तों, तो इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे, जितना टाइट हो सके दोस्तों अच्छी तरह से टाइट कर दें, क्योंकि अच्छे से टाइट रहेगा तो इसका जो हीटिंग रहेगा वो पास हो जाएगा। तो ये हम अच्छे से टाइट कर लिए हैं दोस्तों। तो सभी मॉस्फेट हमने लगा लिया, तब इसको दोस्तों हम सोल्डर कर देंगे अच्छे से। और दोस्तों सोल्डर करते समय आपको एक बात का ध्यान देना है कि ये आपस में तीनों लेग्स एक भी पॉइंट शॉर्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका मॉस्फेट फिर भी ख़राब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अच्छे से सोल्डर करते हैं। तो दोस्तों जो कि कुछ मॉडल ऐसे हैं जैसा कि आपको हमने बताया है वीडियो में कि मॉस्फेट अगर गया तो वो लोग बैटरी बताएंगी और सारे इंडिकेटर एक साथ जलेंगे। तो दोस्तों हमने ने नीचे से कर लिया है, तो जस्ट पॉइंट के ऊपर भी, प्लेट के ऊपर भी पॉइंट होते हैं, जो इसकी सर्किट है इसके ऊपर भी कुछ पॉइंट होते हैं, ऊपर से भी कर ले, नहीं तो नीचे से करके छोड़ देंगे ये वर्क नहीं करेगा। दोस्तों आपको अभी दिखाएं हम, पहले कर लेते हैं। चलिए दोस्तों एक पॉइंट और है उसको भी कर लेते हैं, और आपको भी हर चीज़ दिखाएंगे दोस्तों, अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों इधर का हो चुका है कंप्लीट, एक और है जो भी छूटा है उसको भी अच्छे से कर लेंगे। और ये एक तरफ का अच्छे से हो चुका है एकदम।
ये हो चुका है दोस्तों, और आपको दिखा दें कि आप देख सकते हैं यही ऊपर का पॉइंट, तीनों को ऊपर नीचे से भी करना है दोस्तों और ऊपर से भी आपको करना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने अच्छी तरह से कर लिया है। एक बार इसको साफ़ भी कर दें क्योंकि ये शॉर्ट होने से अच्छा रहेगा। इसको अच्छी तरह से साफ़ कर दें सोल्डर करने के बाद, जो कि हमने साफ़ कर दिया जो भी था अच्छे से। तो ये दोस्तों पीसीबी अब सभी मास्पेट लगा के अच्छे से सोल्ड भी कर लिए। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम टेस्ट करते हैं, देखते हैं ये हमारा पीसीबी वर्क करता ही नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों अब इसमें हम 12 बोल्ट की सप्लाई देते हैं। तो जैसा ही दोस्तों आपको हमने बताया है 12 बोल्ट सप्लाई किस पे देना है, वो आपको पता भी होगा दोस्तों अगर आप पीसीबी रिपेयरिंग करते होंगे। तो ये हमारा हो गया दोस्तों माइनस हो गया 12 बोल्ट, और प्लस हमारा ये हीट सिंक पे रहेगा बड़े वाले पे। तो प्लस हम इसी पे लगाते हैं, देखते आप देख सकते हैं दोस्तों ये प्लस का सप्लाई हमने दे दिया। वीप का साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा, और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, और दोस्तों चलिए आप देख सकते हैं इंडिकेटर ग्लो हो रहा है। तो इसको ऑन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों ये UPS ऑन हो चुका है। तो ये हमारा PCB दोस्तों ओके हो चुका है, अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो अब इसको हम ट्रांसफार्मर से कनेक्शन करके देखते हैं कि दोस्तों ये आउटपुट दे रहा है नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ से इसकी सप्लाई हटाते हैं, चलते हैं सेटअप पूरा सेटअप करके फिर आपको चेक करके दिखाते हैं, क्योंकि PCB यहाँ से तो दोस्तों ओके बता रहा है। तो चलिए देखते हैं ट्रांसफार्मर में लगा के। चलिए दोस्तों हमने ये इस PCB को बैठा दिया है, तो इसका सारा स्क्रू फटाफट लगा के इसको फिट करते हैं, फिर इसको हम टेस्ट करेंगे दोस्तों। तो चलिए जैसे हमने सारा स्क्रू खोला था, ये माइनस टर्मिनल है बैटरी का, तो इसको भी अच्छे से लगा के अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। तो माइनस अच्छे से बैठा के टाइट करेंगे दोस्तों, थोड़ा भी लूज नहीं रहना चाहिए। जैसा कि दोस्तों थोड़ा अंदर है बैठाने में, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो हो गया अच्छी तरह से टाइट। चलिए ये ट्रांसफार्मर का है, इसको भी अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे, थोड़ा भी ढीला नहीं रहना चाहिए। चलिए दोस्तों ये भी हो गया, तो दोनों स्क्रू को लगा लेंगे, तो इसको भी अच्छी तरह से दोस्तों टाइट कर देंगे। ये बैटरी का जो प्लस है वो पॉइंट है बैटरी का। तो दोस्तों जैसे खोले थे उसी तरह से सेट कर देना है। तो चलिए सेट करके फिर आपको दिखाते हैं, लेके चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों स्क्रू पैक है वो भी हो गया, टोटल हो गया कनेक्शन। चलिए लगाते हैं, सप्लाई देते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने सप्लाई दे दी है, आप देख सकते हैं सारा इंडिकेटर ग्लो हुआ, और दोस्तों बैटरी थोड़ा लो है इसलिए थोड़ा वीप का आवाज़ कर रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों UPS चालू हो चुका है, तो फैन भी इसका ऑन हो चुका है, और दोस्तों बैटरी थोड़ा लो है इसकी वजह से थोड़ा वीप की आवाज़ टाइम तक सुनाई दिया। तो चलिए अब इसमें हम बल्ब लगा के देखते हैं इसका आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों। तो जैसा कि हम बल्ब इसमें लगा रहे हैं, LED बल्ब है, तो दोस्तों हम लगा रहे इसमें, और आप देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है अच्छी तरह से दोस्तों। LED बल्ब भी जल रहा है, और एक बार आपको ऑन ऑफ करके दिखा देते हैं अच्छे से। आप देख सकते हैं दोस्तों ये ऑफ कर दिए और ये ऑन कर दिए। आप देख सकते हैं आउटपुट एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है। इसी तरह जानकारी के लिए दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये थोड़ा भी हीट नहीं हो रहा है क्योंकि सेम मॉस्फेट हमने लगाया है उसी नंबर का।